उसने मुझे ऐसा बोला कि आई नेवर सीन कस्टमर लाइक यू। मैंने बोला अच्छा, बट उसने बहुत ही कतई खूबसूरत लुक दिया है। मैंने मतलब मेरी मम्मी ने तो उसको बोला था कि भाई यू नो बहन चोदे उसका जीरो का मशीन घुमा डालो पूरे उसके सर के ऊपर। बट वो लेडी अच्छी थी, वो लेडी ने जब मेरा फेस देखा तो उसने बोला कि भाई वो अच्छा मत लगेगा। तो वहाँ पे कुछ बहस हुई फोन के ऊपर, फाइनली उसके बाद ये लुक वो रशियन लेडी ने मुझे दिया है। अब कैमरा खोलने से पहले मैनू शर्म बहुत आ रही है, बट क्या करूं, आज नहीं तो कल तुम हरामी लोगों के सामने मुझे आना तो पड़ेगा ही ना। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही मैं अपना ये खूबसूरत सा लुक जो है मैं दिखा देता हूं। तो जितने भी लोग यहां पे बैठे हुए हैं, साले एक साल बाद ये लुक तुम लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने हेयर कटिंग करवाई है ऑलमोस्ट आफ्टर 1 ईयर के बाद। तो फैंस, तुम लोग एक्साइटेड हो या मत हो, पहले मुंह दिखाई के पैसे लूंगा आज मैं। तो पेटीएम कजो, पेटीएम नंबर तो है नहीं मेरे पास। तो चलो भाई, ज्यादा बकचोदी ना करते हुए, मैं भी आज बहुत बिजी हूं, मंडे है आज। तो भाई देख लो मेरा नया लुक आप लोगों को दिखा रहा हूं मैं। साले भाई देखो, नीचे ये लिख रहा है कि कमेंट ऑफ करो। अच्छा, कमेंट ऑफ करता हूं मैं। भाई मैं नया लुक देख लो मेरा, एवरीबॉडी सो मच एक्साइटेड। एक मिनट, ये बहन चोद कमेंट ऑफ क्यों मत हो रहा है। भाई मेरा न्यू लुक तुम लोग देख लो, कब तक कोई आया है लाइव ते जिसको मैं ऐड करूं। एक मिनट मादर चोद, साले तुम लोगों को ये मेरा लुक देखने के लिए, एवरीबॉडी सो मच एक्साइटेड। भाई मैं न्यू लुक दिखा रहा हूं, एक मिनट रुक जाओ। हाँ तो भाई जितने भी लोग हैं यहाँ पे, यार देखो मजाक मत उड़ाना मेरा, ठीक है। मैं हेयर कट करवाना नहीं चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे मौसा जी की डेथ हो गई तो मुझे करवाना पड़ा ये सब कुछ। एंड ऑनेस्टली बहुत बहस के बाद, घर के अंदर बहुत सारी लड़ाई के बाद, मैं टकला तो नहीं हुआ हूँ, राइट। बेंचो सुबह से रोना धोना चल रहा था, ठीक है, क्योंकि मैनू टकला मत होना था। तो इसीलिए कुछ बहुत सारी प्रोमिसिस के बाद, बहुत सारी चीज़ों के मैंने प्रोमिसिस लेने के बाद, एटलीस्ट मुझे कुछ ऐसा लुक रखने की परमिशन मिली। तो भाई जितने भी लोग नीचे बैठे हुए, मादरचोद अगर किसी ने भी मजाक उड़ाया मेरा, तो भाई मैं लाइव पे आना बंद कर दूंगा। मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं लाइव पे नहीं आऊंगा अगर किसी ने भी नीचे से मेरा मजाक उड़ाया। आज मैं सारी कमेंट पढ़ रहा हूं, मैं कमेंट पढ़ता नहीं हूं। मेरा किसी ने भी मजाक उड़ाया तो भाई मैं लाइव पे नहीं आऊंगा, सच बोल रही हूं मैं, ठीक है। तो भाई चलो, अब यहां पे ऑलमोस्ट 900 लोग हो चुके हैं। अब मैं खोलने जा रहा हूं अपना नया लुक। मैं कमेंट ऑफ करूंगा पहले, कमेंट ऑफ करने के बाद अपना नया लुक दिखाऊंगा, ठीक है। पीपल आर सो मच एक्साइटेड, बेंचो 1000 लोग हो गए यहाँ पे। तो भाई मैं कमेंट ऑफ कर रहा हूँ अब, ठीक है। कमेंट, एक मिनट, कमेंट कहाँ से ऑफ होती है, टर्न ऑफ कमेंट। भाई मैंने कमेंट को ऑफ कर दिया है, यार देखो मजाक मत उड़ाना। यार जैसा भी दिखता हूँ, जो भी हूँ, मेरी माँ की मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ उसको, मैं उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो लॉन्ग हेयर मैनू बहुत ही पसंद है, जब बहनचोद वो मतलब कि उसके अंदर लेयर्स बनती थी, बहनचोद इतना खूबसूरत दिखता था उस हेयर के अंदर में। बट अब माँ से बढ़कर कुछ मत है ना, क्या करूँ यार मैं, उसका दिल तोड़ना नहीं चाहता था मैं। हेयर तो मैं फिर से ग्रो अप कर लूंगा। तो भाई चलो, ये मेरा नया लुक देखने के लिए आप लोग रेडी हो जाओ। अभी मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ।
भाई साले कुत्ते लोग, किसी ने भी नीचे से मजाक उड़ाया ना भाई, कसम खा रहा हूं मैं। अब मैं एक मिनट देख लो भाई, ये मेरा नया लुक है, ये देखो भाई सालो, किसी ने भी नीचे से मजाक उड़ाया, ठीक है? कितने मेरे बड़े बड़े हेयर थे, गंडवों की तरह दिख रहा हूं अब मैं। देख लो भाई ये इतना अच्छा मत है ये। कमेंट ऑन करता हूं, हरामी लोग अच्छी अच्छी कमेंट करना। अच्छा ग्लासेस निकाल देता हूं सालो, अच्छी अच्छी कमेंट करना। देख लो भाई ये मेरा नया लुक, या ये भी बोल रहा है पूरे टाउन में पता चल गया, एक साल बाद मैंने हेयर कटवाया। देख लो भाई ये चनो, अब मैं जा रहा हूं। कितने लॉन्ग हेयर थे मेरे, चलो बाय।